नमस्कार है सभी को, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए। आज का जो मुद्दा है वो स्क्रीन पे आ रही फोटो पर बेस्ड होगा, तो आशा करते हैं कि आपके आसपास सब कुशल मंगल होगा। और वही चीज, कोई भी बात हो जाए, कोई भी बवाल हो जाए, पर मौका टाइट रहना चाहिए, तो इसकी हम आशा करते हैं। शुरू करने से पहले आज का प्रश्न, 24 जुलाई 1991 में इनमें से कौन से शख्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके ही मूव की वजह से आज तक जो भारत है वो स्टेबल रहा इकोनॉमिकली। उत्तर परंपरागत अनुसार आखिरी में मिलेगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था थोड़ी देर पहले। शुरुआत कर लेते हैं इस गाने से। तो फाइनली ट्विटर के जो सर्वे सर्वा साहब हैं, एलन मस्क, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि ट्विटर का जो लोगो है उसे अब चेंज कर दिया जाएगा। फिर जो पंक्षी हैं वो सारे उड़ा दिए जाएंगे और जो अब नया लोगो होगा वो एक्स होगा, और इसके ही बारे में आज का वीडियो है। मस्क साहब का एक्स को लेकर ये डिस्क्रिप्शन है कि एक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है एवरीथिंग ऐप को, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवालों से खबर है, वो नहीं है सूत्रों है जो नहीं है। और ये माना जा रहा है कि वो कंबाइन करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड पेमेंट सर्विसेज को एक साथ। और ऐसा कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है, चाइनीज ऐप है जिसका नाम है वीचैट। अब छोटी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या फिर चेंजमेंट होते रहे हैं, क्योंकि बदलाव या बदलते रहना ही डेवलपमेंट का एक रूप है। तो सबसे पहले 2005 में अगर ट्विटर को देखते हैं तो वो सीमी ग्रीन कलर का है, उसके बाद बेबी ब्लू, और फिर हम एक बर्ड देखते हैं जो एक माउंटेनियस बर्ड है और NBA प्लेयर को डेडिकेट कर सकते हैं या फिर उनके ही नाम पे उस बर्ड का नाम दिया गया है, लैरी बर्ड। तो जो आप ट्विटर पे अभी चिड़िया देखते हैं उसका नाम लैरी बर्ड है, जो एक NBA मतलब एक बास्केटबॉल प्लेयर लैरी के नाम पर रखा गया 2010 में। उसके बाद $44 बिलियन में अक्टूबर 2022 को मस्क साहब ने ट्विटर को खरीद लिया, और उन्होंने जब खरीदा तो उनका ये तभी कहना था कि बहुत सारे फील्ड में चेंजेस जो दिखाई दें वो मैं लेके आऊंगा, तो लोगो जो चेंज है जिसको हम एक्स से जानेंगे वो भी उनमें से एक है। एक्स को लेकर ऑब्सेशन देख लेते हैं, इसकी कोई हिस्ट्री अगर देखने को मिलती है तो क्या ये एक्स को लेकर ऑब्सेशन की कहानी ये तो नहीं है? तो देखा जाता है कि जो लेटर एक्स है 1999 में x.com फाउंड किया था भाई साहब ने, एन ऑनलाइन बैंक जिसको बाद में एक स्टार्टअप के साथ मर्ज कर दिया गया टू क्रिएट पेपाल। जिन्हें नहीं पता है ये पेमेंट गेटवे है और ये बहुत पुराना है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसको 2017 में वापस से इन्होंने खरीद लिया और x.com का जो डोमेन है वो पेपाल से ले लिया गया। और नेक्स्ट मूव अब देखा जा रहा है कि 2023 में ट्विटर जो का लोगो है वो अब एक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी स्टोरी देखने को मिलती है एक्स को लेकर ऑब्सेशन, शायद मस्क साहब का ऑब्सेशन नहीं कह सकते बट है स्टोरीज जो मैचअप करती हैं। क्या अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर भी ऐसा किया गया है? तो वापस से ऐसा देखने को या फिर अज्यूम कर सकते हैं कि मेटा, फेसबुक जैसे कह सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड भी लॉन्च किए जिसके 5 crore+ डाउनलोड्स हो गए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इंडिया का भी बर्ड जिस तरह को देखने को मिलता है। लास्टली, क्या जब ये फैसला लिया गया है तो और भी स्टेक होल्डर्स होंगे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो बिल्कुल कहा है और रेजिस्ट भी किया है, और उनका ये मानना है कि एक ब्रांड है जो अपने लोगों से जाना जाता है, मतलब ट्विटर के लिए कम और ट्वीट्स के लिए कम और अपने लोगों के लिए ज्यादा फेमस था, आप एकदम से इसे चेंज कर रहे हो तो ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं आप पे, आपको स्पॉन्सर किए हैं तो उनके पैसे ना डूब जाए। बाकी बात वही है कि मस्क साहब ने अगर सोच लिया है तो सोच लिया है, क्योंकि शायद एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुन, ये भी हो सकता है। ये थी छोटी सी जानकारी। अब जो आपका ट्विटर का लोगो है वो एक्स होने वाला है, एक्स का मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या चेंजेस आज तक हुए हैं? तो बिल्कुल हुए हैं। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब और LPG इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। जिसको नहीं पता है वो ये है कि 1991 के बाद दो चीजें हुई, ये जो आप आसपास अपने देख रहे हो KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, जारा, जितना भी विदेशी चीजें हैं, एप्पल, सैमसंग, इनके दरवाजे खोल दिए गए। दूसरा, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, तो बहुत बड़ा योगदान था
24 जुलाई 1991 को भारत के लिए, और लगभग आज के जितने भी अखबार हैं उन सब में ही 24 जुलाई 2023 की जो तारीख है वो ट्विटर का जो लोगो चेंज हुआ है उसको भी देख के देखा जा सकता है कि शायद ये बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए। आखिरी में वही, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दें क्योंकि प्यार कभी कम होता नहीं है। और अगले वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।